अपने जीवन में हम कभी लड़की खाते कभी नहीं किया, हम के अपने जीवन के और अपने कैरियर के ही बात याद आवेला कि जब हम हमारे बाबूजी मुड़ी पर चाना बेचा था, खीरा बेचा था, और हम और हमारे नए दारू कम से कम 2 साल तक ले ली थी चोखा बेचने जा एक ओखला सगह पा दिल्ली में। हमारे मेहरारू 6 महीना एक साड़ी पहन के लिट्टी और चोखा बेचना समके हमारी साथ था। जब हम कैसेट करोनी और पैसा से जाना दुकान पर जाए कैसेट बिक्रेता क्यों ना रहे जब मेरी माई बहन के गाली डाली ऊपर की सारी डाली 1000 रुपये के प्रोग्राम गए तो करे के 500 आदमी देखे करते ना। आज हम 10 लाख के भी प्रोग्राम गए लेते हमारे के 2 लाख लोग देखे खाती आवे ला अरे वो सब के प्यार मिले तोरा लोग से पिछड़े के कम बोला ऐसे रोई प्यार करे के उम्र से पहले थे हमारे बाबू जी हमारे शादी कर देंगे 2006 में हमारे शादी हो गई दुनिया में अभी तक हमारे कौनो नाम ना है। और बाद 2 साल बाद हमकी बेटी हो गई वो जिम्मेदारी बढ़ गई तब लिट्टी चोखा बेचे अपने बाप से ज्यादा रहो सबसे प्यार कर ही जाए कैसे कि बाबू जी सिर्फ उनके पैदा के लिए बड़े लेकिन वह सब तक ही सरिया के जीवन दे देने बड़े वो सबकी कर्जा शायद हम 7 जन्म जब कभी ना चुका पाए तो वो सबके आजीवन कर्जदार बाकी सारे। आज अगर खेसारी के घर में 2 वक्त के रोटी भी बने दाना तो वाटा के पैसा रहो सबके घर से अलग तब खेसरिया के घर की चूल्हा जला ना तो शायद हमारे घर उपास रह जाए। ऐसे जिंदगी में सबसे हम कोनो भी इंटरव्यू दी ले कोनो भी काम करी ले तो पहले पब्लिक के सर्वोपरि राखी ले वो सबके प्यार पारी का हम अपन मेहंदी लगा के रखना फिर हम अपनी जिंदगी की सबसे श्रेष्ठ फिल्म पहनी वो दिन अपने बाबू जी से 1.5 घंटा बाद कहीं मोतिहारी शहर में अपन फिल्म देखनी पहली बार अपन फिल्म देख के हमके आंखों में आंसू आ गए तहिया समझ में आई कि एगो बाप के ना रहला के गम का होला जौन बाप हमके चाना बेच के 10,000-15,000 देले कैसे करावे के शायद बाप उसन ना रहते तो शायद आज के सारी गलियां तो आज भी लिट्टी चोखा बेची चाहे भैंस चराई या अपना घर परिवार के 4,000-5,000 कमा के अपने पेट पोसी तो वो सबके दिल पर शायद राज करे में सक्षम ना होती तो वो सबसे बिछड़े की गुडर बोला आज लाखों पब्लिक के बीच में वाली काल ये 5ों में पब्लिक हमके मिली कि ना हम ईश्वर से ये दुआ कर ली कि ईश्वर अगर हमके ये धरती पर अगर दोबारा भेजिए तो खेसरिये बना के भेजिए ताकि ये भाई लोग के दिल में हम कम से कम रह सके और लोग प्यार कर सके और जिंदगी में बिछड़े हो आवे के गम तो होला लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम ये धरती पर प्यार करी ले हम मंदिर कहीं ना जाइए बहुत कम जाइए क्योंकि साथे चल जाइए क्योंकि हमारा घर की मंदिर मस्जिद और हर वो ईश्वर रघुवर सभी वाणी जिक्र चलते खेसरिया के घर के चूल्हा जलेला आदमी मंदिर जाला अपने घर परिवार के अपने बेटा के उन्नति मांगे पाती लेकिन हम रघुवर सबसे मांगे लेकिन कैसे कि खेसरिया के जीवन रघुवर सबके हाथ में हुआ केहू भगवान के हाथ में नहीं रुआ लोग चाहले बनी रहो प्यार के लिए बनी तो शायद जीवन ही मिलल बा और ईश्वर के कहीं ना कहीं किस्मत में रहते हैं जगह पर भी आज बहुत मेहनत तो हिम्मत ना हारिए बिचारिए ना राम को मति के गति रति भूत बड़ाई जो जद तक जहाँ ले पाए जी जितना जाने लगावे ना बचावे ला वो सब के प्यार करें तो जिंदगी में बहुत कुछ मिले एक लड़की खाती अगर के शरीर रो दे तो फिर ये लिए बड़ कमजोर आदमी का हो सकता है यार आई लव यू आप सबका प्यार मिलता है मुझे उसके लिए दिल से थैंक यू और पूरी ऑडियंस को मैं एक बार पैर छू के फिर से प्रणाम करता हूँ अगर केसारी ने कुछ पूरी रात में गलती किया होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ ताली बजा कर माफ कर दीजिएगा। हर अरे बैठी अब रुका हमारे केसारी भाई